रविंदर रैना जीतेंगे यहाँ से, जीतेंगे 100%। जीत गया वो, जीत गया रविंदर रैना, जीत गया, जीतेगा वो, जीतेगा रविंदर रैना, जीतेगा रविंदर रैना, रविंदर रैना जीतेगा। कामकाज कितने भी है रविंदर रैना, रविंदर रैना ने बहुत काम किए हैं यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी की एक रैली में नरेंद्र मोदी के एक समर्थक के समय मेरे साथ हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय गुप्ता है, मैं लेफ्टिनेंट रिटायर हूँ और मैं इस मैप को देखकर, इस रैली को देखकर मेरा दिल इतना खुश हुआ है कि ये रैली जो है एक बढ़ कर रैली हुई है पिछले रैली से भी, और रैना साहब की क्यादत में और सब लोग जो हैं बहुत खुश हैं, और जो मतलब ये जो लोग हैं इसने माप इतना जनता कभी नहीं आई जितनी से इस बार आई। क्या लगता है कि दशहरा विधानसभा क्षेत्र से कौन जीतेगा? यहाँ का बीजेपी का ही एमएलए ही जीतेगा और 100% हमारी बात आएगी। ये हर स्टेट में पूरे में बीजेपी का राज होगा और सीएम से भी हमारा आएगा जो कि नरेंद्र रैना है वही। रविंदर रैना जीतेंगे यहाँ से? जीतेंगे 100%। जीत गया वो, जीत गया रविंदर रैना, जीत गया, जीतेगा वो, जीतेगा रविंदर रैना, जीतेगा रविंदर रैना, रविंदर रैना जीतेगा। कामकाज कितने भी है रविंदर रैना, रविंदर रैना ने बहुत काम किए हैं यहाँ पर, हर किस्म की सड़कें बनवाई, गलियों को बनवाया और इसके बाद लोगों को फ्री राशन जो मिल रहा है और अभी भी मिलेगा। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी ने भी काम किए हैं देश में। नरेंद्र मोदी सर उन्हीं के जो काम है वो काम इनको दिए है, जाकर आगे ये कर रहे हैं आकर। देखो क्या क्या कह रहे हैं नौशहरा में, और क्या 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 काम हुआ नौशहरा में? मतलब यहाँ पर सड़कें वगैरह, ये गलियां वगैरह बनवाई और गलियां वगैरह बनाने के बाद इन्होंने जाने की काम हुआ ना नौशहरा में भी बड़े काम हुए जी, सड़कों गलियां ये वो, बिजली का काम हुआ है, बिजली जो है पहले 2 घंटे आधी सी आई, 24 घंटे बिजली चल रही है, ये सिर्फ रविंदर रैना और मोदी साहब के कारण ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी जी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है मैं नरेंद्र मोदी से बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी ऐसा हूँ भाई, उनकी शक्ल है और मैं इसलिए कहना है कि मैं आज अपने आपको दिखाऊँ कि रविंदर रैना जी और मोदी भी आपके साथ हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार बीजेपी की बनेगी? बिल्कुल बीजेपी की सरकार 100% बनेगी और इसके चीफ मिनिस्टर रविंदर रैना होंगे। जो समर्थक देख रहे हैं क्या कहना चाहोगे लोगों, क्या कहना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे इनको? मैं कहूंगा कि आने वाले 25 तारीख को अपना वोट जो है भूल पर बटन दबाकर नरेंद्र रैना और मोदी जी को कामयाब करें। शुक्रिया। तो नरेंद्र मोदी के एक समर्थक है जो नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर एक रैली में यहाँ पर पहुंचे और रविंदर रैना आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। हजारों की संख्या में जो उनके समर्थक है, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो आज शामिल हुए हैं और राम माधव जैसा बड़ा नेता रविंदर रैना को सपोर्ट करने के लिए आज नौशहरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा है और आज रविंदर रैना अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नमस्कार।